हेलो जी, आज की वीडियो होने वाली है अपोलो के बेंचमार्क टायर्स के ऊपर, जो कि है अपोलो XR एंड अपोलो ST। ये दोनों ही टायर्स रिटेल कैटेगरी के टायर्स हैं एंड XR मॉडल वो है मोर ऑफ रोड बेस्ड टायर। मतलब अकॉर्डिंग टू द कंपनी इसमें 60-40 का बायस्ड है, मतलब 60% ऑन रोड एंड 40% ऑफ रोड। मैं यूज़ कर रहा हूँ ट्रैम्पलर का XR फ्रंट में एंड इट्स अ 110/70 सेक्शन टायर। पहले बात कर लेते हैं मेरे प्रीवियस टायर एक्सपीरियंसेस की। तो इससे पहले मैं पिरेली से लेके मिशेलिन सब ट्राई कर चुका हूँ एंड एक्सटेंसिवली, मतलब स्नो, बारिश, ब्लैक आइस सब में यूज़ कर चुका हूँ। और ट्रैम्पलर से पहले मैं यूज़ कर रहा था मिशेलिन सिराक, जो कि एक विंटर टायर है बेसिकली और कोल्ड वेदर्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है एंड उसे मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ उससे। और अब बात कर लेते हैं इस टायर की। तो ऑनेस्टली मैं अपोलो का ज़्यादा बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, तो आई मीन इस टायर को मैंने सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि अमेजोन पर विंडो शॉपिंग करते हुए एक दिन रात को इस पर काफ़ी डिस्काउंट था, तो मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इसे ऑर्डर कर दिया था। सो जब ये टायर मुझे डिलीवर हुआ था, आई वॉज प्रिटी अमेज्ड टू सी अ स्मॉल वाइट कलर्ड बैग विद द टायर, जो कि जिसपे लेह लद्दाख की पेंटिंग्स थी एंड बुद्धिज़्म की पेंटिंग्स थी। इट वाज अ काफ़ी कूल लुकिंग बैग जो मुझे इसके साथ फ्री मिला था, तो इट वाज काइंड ऑफ अ नाइस सरप्राइज। ओके, तो वो भी आपको फ्री मिलता है पहली बात। तो नेक्स्ट डे से मैंने अपनी वर्कशॉप में इंस्टॉल किया अपनी बाइक पे, और जिस रोड से मैं रोज़ घर जाता हूँ उसी रोड से मैं उस दिन भी गया। एंड आई वॉज अमेज टू सी कि बाइक बहुत ही फ्री चल रही थी, स्मूथ एंड फ्री काइंड ऑफ, विच मीन्स कि टायर का जो रोलिंग रेजिस्टेंस था वो बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू मिशेलिन सिराक, राइट। मतलब कि जैसे आप अगर थ्रॉटल छोड़ेंगे तो बाइक जस्ट कीप्स ऑन रोलिंग एंड दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग टू एक्सपीरियंस आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इससे पहले मैं सिराक यूज़ कर रहा था और उसमें वो रोलिंग रेजिस्टेंस काफ़ी था, मतलब मुझे फील नहीं हुआ पर वो काफ़ी था एंड आई वॉज प्रिटी अमेज्ड बाय दैट। एंड फिर जैसे कि इंडियन रोड्स पे होता ही है, तो एक गऊ माता आ गई एकदम से, तो आई हैड टू हार्ड ब्रेक सडनली एंड मैं 70-80 की स्पीड में था एंड टू माय सरप्राइज द बाइक डिड नॉट मूव और स्किड, और उसने बिल्कुल भी ग्रिप लूज़ नहीं किया एंड बहुत ही सही। आई मीन द लेवल ऑफ ग्रिप ऑन दिस टायर इज़ अनमैच्ड। मतलब कि अगर इसकी जगह मिशेलिन सिराक होता जो मैं पहले यूज़ कर रहा था, तो द व्हील वुड हैव लॉक्ड अप एंड आई वुड हैव क्रैश्ड डेफिनेटली। और ये टायर मैं ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर चला चुका हूँ और अभी तक एक भी बार लॉक या स्किट नहीं हुआ है। ब्रेकिंग भी इससे काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, क्योंकि पहले मुझे दो फिंगर्स यूज़ करनी पड़ती थी फ्रंट ब्रेक के लिए टू गेट द राइट अमाउंट ऑफ प्रेशर, और अब मेरा एक ही फिंगर से बहुत अच्छे से काम चल रहा है। और सेम परफॉर्मेंस आपको ऑन रोड ही नहीं, ऑफ रोड भी सेम परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे कच्चे रास्ते हों या पक्के हों, ये उतना ही ग्रिप देता है। इट्स वेरी अमेजिंग। रियर टायर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ रालको, और ये मेरा सेकेंड सेट ऑफ टायर है। इससे पहले भी मैं रालको यूज़ कर रहा था, मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आता था रालको पे, इसीलिए मैंने एक बार दोबारा बाय किया था रालको। अदर दैन MRF भी यूज़ किया मैंने पहले C8, और मुझे सबसे अच्छा रालको ही लगा अनटिल मैंने अपोलो का ये ट्रैम्पलर यूज़ किया फ्रंट में, एंड अब मैं रियर में भी इसी को करने वाला हूँ ऑर्डर बहुत जल्दी, बिकॉज एज़ कम्पेयर्ड रालको इज़ जस्ट अ जोक। अगर आप अपोलो से कंपेयर करेंगे, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों टायर्स में। तो बहुत ही जल्दी मैं पीछे के टायर के लिए भी आपको ऑर्डर करने वाला हूँ एक ट्रैम्पलर एज सून एज़ पॉसिबल। सर्दियों में भी रालको का, विंटर का भी थोड़ा इशू है, क्योंकि रालको विंटर्स में बहुत ज़्यादा ग्रिप लूज़ करता है, जैसे ही टेम्परेचर होगा अर्ली मॉर्निंग्स बिल्कुल ही ग्रिप नहीं आती है इसमें। वहीं पर अपोलो को बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता है टेम्परेचर से, तो बहुत अच्छी बात है। तो इन ऑल अगर आप लॉन्ग राइड्स या सिटी राइड्स पर जाते हैं, लंबे टूर्स पर जाते हैं, लेह लद्दाख जाना चाहते हैं, लुकिंग फॉर अ टायर जो सब कुछ हैंडल कर ले, तो अपोलो ट्रैम्पलर इज़ द बेस्ट टायर राइट नाउ इन द मार्केट इन द बजट। इससे ऊपर फिर स्कॉर्पियन ही आता है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, महंगा हो जाता है मतलब। तो आप इसके लिए जा सकते हैं एंड
मेरा तो 100% कॉन्फिडेंस है इस टायर के ऊपर. होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड येस सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़, क्योंकि पिछला टायर मैंने लेना है अभी. ओके, थैंक यू.